सोनभद्र बिल्ली ओबरा खनन क्षेत्र वक्त दर वक्त सुर्खियों में रहा है, जिसे लेकर ये जनपद प्रदेश और देश स्तर पर अवैध खनन के लिए काफी चर्चित रहा। पूर्व की सपा बसपा सरकार के साथ साथ वर्तमान भाजपा सरकार भी इससे अछूती नहीं है। सरकार और प्रशासन चाहे जितने भी दावे करे, लेकिन अवैध खनन धड़ल्ले से जारी है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर किसकी सह पर खनन माफिया अवैध खनन करा रहे हैं। बीते 22 नवंबर शुक्रवार को बिल्ली ओबरा खनन क्षेत्र के शारदा मंदिर मार्ग पर अज्ञात वाहन के धक्के से सड़क किनारे संदिग्ध परिस्थितियों में मृत वन दरोगा तेज प्रताप सिंह का शव मिलने के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई। वहीं स्थानीय पुलिस जहां इसे दुर्घटना मान रही है, तो दूसरी तरफ परिजनों का आरोप है कि ये दुर्घटना नहीं बल्कि खनन माफियाओं द्वारा सोची समझी रणनीति के तहत उनकी हत्या कराई गई है। परिजनों के मुताबिक उन्हें लगातार धमकियां मिल रही थी और घटना के पहले भी उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई थी। अवैध खनन रोकने के लिए बने उड़नदस्ते के प्रभारी तेज प्रताप सिंह की मौत के बाद जिला अस्पताल पहुंची पत्नी और परिवारजनों ने खनन माफियाओं द्वारा हत्या किए जाने की आशंका जताते हुए कुछ रसूखदारों का नाम लेकर कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं। वहीं दूसरी तरफ वन कर्मचारियों का आरोप है कि समय रहते उन्हें पुलिस का सहयोग नहीं मिल पाता है। इस मामले में एडीएम योगेंद्र ने बताया कि पूर्व में बिल्ली चोपन और घेरावल क्षेत्र में अवैध खनन की शिकायतें मिली थी, जिसे लेकर संबंधित अधिकारियों से टिप्पणी मांगी गई थी और आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए थे। इस मामले में वन दरोगा टीपी सिंह की मौत की जांच कराई जा रही है और जो तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। समस्त तरह के लोग जो गुंडा टाइप के लोग थे, उनकी सारी गाड़ियां जो चलती थी उन पर कार्रवाई की गई और कोई मतलब ऐसा आदमी नहीं रहा जो दबंग टाइप का है, उस पर कार्रवाई न की गई हो। इसी के तहत लोगों में आक्रोश की भावना पैदा हुई, जिसका इजहार उन्होंने यहाँ भी किया, कलेक्ट्रेट लेवल पर भी किया और इसी के तहत उनसे दुश्मनी भी पैदा हुई, जिसका अंजाम उन्होंने इस तरह से दिया। सोनभद्र से जनमत न्यूज़ के लिए कैमरामैन अवधेश शुक्ला के साथ शरद सोमानी की रिपोर्ट।